राम काज कीन्हे बिना मोही कहाँ विश्राम अयोध्या, मंदिर आंदोलन और वहाँ जन्मभूमि पर भव्य राम मंदिर के निर्माण के संदर्भ में देखेंगे तो रामचरितमानस की उक्त लाइनें गोरखपुर स्थित गोरखपीठ पर हूबहू लागू होती हैं। प्रस्तुत है गोरखपुर न्यूज़ के लिए गिरीश पांडे की विशेष स्टोरी। आज़ादी के पहले से लेकर अब तक मंदिर आंदोलन में पीठ की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। मसलन 22-23 दिसंबर 1949 को जब विवादित ढांचे के पास रामलला का प्रकटीकरण हुआ तो पीठ के तत्कालीन पीठाधीश्वर महंत दिग्विजय नाथ कुछ साधु संतों के साथ वहां संकीर्तन कर रहे थे। उनके शिष्य ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ 1984 में गठित श्री राम जन्मभूमि मुक्ति यज्ञ समिति के आजीवन अध्यक्ष रहे। उनकी अगुवाई में अक्टूबर 1984 में लखनऊ से अयोध्या तक धर्म यात्रा का आयोजन हुआ। उस समय लखनऊ के बेगम हजरत महल पार्क में एक बड़ा सम्मेलन भी हुआ था। 1 फरवरी 1986 में जब फैजाबाद के जिला जज कृष्ण मोहन पांडे ने विवादित स्थल पर हिंदुओं को पूजा अर्चना के लिए ताला खोलने का आदेश दिया तो उस समय भी महंत अवैधनाथ जी वहीं थे। इत्तेफाकन जज साहब कृष्ण मोहन पांडे भी गोरखपुर के ही थे और तत्कालीन मुख्यमंत्री वीर बहादुर सिंह भी गोरखपुर के ही थे। बाद के दिनों में वीर बहादुर सिंह ने महंत अवैधनाथ से मिलकर भव्य राम मंदिर निर्माण के बारे में राजीव गांधी क्या सोचते हैं इस संबंध में मुलाकात भी की थी। इसी से मंदिर आंदोलन में गोरखपीठ की अहमियत का अंदाज़ा लगा सकते हैं। 22 दिसंबर 1989 को दिल्ली में आयोजित विराट हिंदू सम्मेलन जिसमें 9 नवंबर को जन्मभूमि पर शिलान्यास कार्यक्रम की घोषणा की गई उसके अगुवा भी अवैधनाथ जी ही थे। तय समय पर दलित समाज के कामेश्वर चौपाल से मंदिर का शिलान्यास करवाकर उन्होंने बहुसंख्यक समाज को सारे भेदभाव भुलाकर एक होने का बड़ा संदेश दिया। हरिद्वार के सन सम्मेलन में उन्होंने 30 अक्टूबर 1990 से मंदिर निर्माण की घोषणा की। 26 अक्टूबर को इस बाबत अयोध्या आते समय पनकी में उनको गिरफ्तार कर लिया गया। 23 जुलाई 1992 को मंदिर निर्माण के बाबत उनकी अगुवाई में एक प्रतिनिधिमंडल तब के प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव से मिला था। सहमति न बनने पर 30 अक्टूबर 1992 को दिल्ली की धर्म संसद में 6 दिसंबर को मंदिर निर्माण के लिए कार सेवा की घोषणा कर दी। उसके बाद के घटनाक्रम से हर कोई वाकिफ है। 12 सितंबर को अवैधनाथ के ब्रह्मलीन होने पर बतौर पीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ ने इस जिम्मेदारी को बखूबी संभाला। परनाथ परंपरा में दीक्षित होने के पहले ही वह महंत अवैधनाथ के खासे प्रभावित रहे। यही वजह है कि 1993 में मुरादाबाद में आयोजित धर्म सम्मेलन में जब अवैधनाथ को दिल के दौरे के बाद एम्स दिल्ली में भर्ती थे तो योगी आदित्यनाथ उस समय के अजय सिंह बिष्ट खुद को रोक नहीं सके और महंत अवैधनाथ से मिलने पहुंच गए। सितंबर 2014 में पीठाधीश्वर बनने के बाद दिए गए इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि गुरुदेव के सम्मोहन में सन्यासी बना दिया। एक बार संन्यास ग्रहण करने के बाद उन्होंने अपने गुरु के सपनों को योगी आदित्यनाथ ने अपना बना लिया। उत्तराधिकारी, सांसद, पीठाधीश्वर और अब मुख्यमंत्री के रूप में भी। मुख्यमंत्री बनने के बाद भी अयोध्या और राम मंदिर को लेकर उनका जज्बा और जुनून पहले जैसा ही रहा। अयोध्या जाने की बात तो दूर, कोई भी राजनेता अयोध्या का नाम नहीं लेना चाहता था। मसलन 3 दशकों के दौरान मुलायम सिंह यादव, मायावती, अखिलेश यादव, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी में से कोई भी कभी अयोध्या नहीं गया। बतौर मुख्यमंत्री उन्हें जब भी अवसर मिला अयोध्या गए, रामलला विराजमान के दर्शन किए और अयोध्या के विकास के लिए जो भी संभव था किए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 2017 में ही अयोध्या में भव्य दीपोत्सव का शुभारंभ किया जो प्रतिवर्ष रिकॉर्ड दर रिकॉर्ड बनाता चला आ रहा है। 5 अगस्त को भूमि पूजन के बाद तो कायाकल्प की ही तैयारी है और जब यह सब हो रहा है तो प्रदेश की बागडोर महंत योगी आदित्यनाथ के हाथों में है।